देखिए, आज के हिंदी के सेशन में हम बात करेंगे हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके हर एग्जाम्स की तैयारी आपको यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है, तो हिंदी के सेशन में आज हम पढ़ेंगे आपका यही, ठीक है, हिंदी की बोलियाँ, उपभाषाएँ और उनके क्षेत्र के बारे में। ठीक है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की बोलियों की, देखिए पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात करूं मैं, पश्चिमी क्षेत्र की अगर बोलियों की अगर बात करूं तो पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी की बोलियां हैं वो कितनी हैं आपकी, 5 हैं। कितनी हैं, 5 हैं। पहले नंबर पर अगर हम बात कर लें, देखिए पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो पहली आती है आपकी खड़ी बोली या कोरवी। ठीक है, पहली क्या आती है आपकी, खड़ी बोली या आपकी कोरवी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली क्या आ गई आपकी, खड़ी बोली या आपकी आ गई कोरवी। ठीक है, तो खड़ी बोली आ गई। ठीक है, खड़ी बोली आ जाएगी आपकी पहले नंबर पर या कोरवी। ठीक है, खड़ी बोली या कोरवी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहले नंबर पर आती है पश्चिमी हिंदी के बारे में। देखिए अगर बात करूं इसके उद्भव की, तो ये आपका सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। काहे के हुआ, आपके सौर सैनी के उत्तरी अपभ्रंश रूप से, मतलब सौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश रूप से। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र की बात करूं, देखिए अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो क्षेत्र कौन कौन सा आता है, ठीक है, इसकी खड़ी बोली का क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्र आता है आपका देहरादून का मैदानी भाग। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसमें अगर बात करूं तो देहरादून का आपका मैदानी भाग भी इसमें आता है। ठीक है, देहरादून का मैदानी भाग। ठीक है, और आपका इसमें सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर, और इसमें आपका मेरठ, मेरठ दिल्ली का कुछ भाग आता है। ठीक है, दिल्ली का कुछ भाग आता है। ठीक है, और इसमें आता है आपका बिजनौर आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, बिजनौर। ठीक है, बिजनौर आता है आपका, रामपुर आता है, रामपुर आता है इसमें आपका, और मुरादाबाद आता है। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके, खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली किस में आते हैं, ठीक है, देखिए खड़ी बोली आकार बहुल है। मतलब खड़ी बोली का क्या है, हिंदुस्तानी शब्द का इसमें खड़ी बोली में आकार बहुल है, बहुत ही बड़ा आकार है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी ब्रजभाषा। दूसरे नंबर पर क्या आती है आपकी, ब्रजभाषा। ठीक है, दूसरे पर क्या आती है आपकी, ब्रजभाषा। देखिए ब्रजभाषा की अगर बात करूँ तो ब्रजभाषा के क्षेत्र की अगर बात, देखिए ये भी सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती, ये आपके काय से हुई थी, उत्तरी। ठीक है, उत्तरी रूप से हुआ था। ठीक है, इसका याद रखें आपको, उत्तरी रूप से। लेकिन ब्रजभाषा की बात करूं, इसका विकास हुआ है आपका सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। ठीक है, सौर सैनी के मध्यवर्ती रूप से। सौर सैनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से, ठीक है, इसका विकास हुआ है हिंदी का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके क्षेत्र की अगर बात की जाए, देखिए अगर ब्रजभाषा के क्षेत्र की अगर बात करूँ तो इसका क्षेत्र आपका आता है इसमें आपका आगरा। क्या आता है आपका, आगरा आता है। ठीक है, मथुरा आता है, आगरा आता है, मथुरा आता है आपका, और आपका इसमें अलीगढ़ आता है। ठीक है, क्या आता है आपका, अलीगढ़ आता है, और इसमें आपका धौलपुर आता है। क्या आता है, धौलपुर आता है। ठीक है, और आगे बात करूं तो मैनपुरी आता है। ठीक है, मैनपुरी भी इसमें आता है, मैनपुरी आ गया, और आपका एटा आता है इसमें क्षेत्र, एटा आ गया, बदायूं आ गया, बरेली आ गया। बरेली के बाद उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है आपकी, ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है, देखिए अगर इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें और
कृष्ण कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा आपकी क्या थी? ब्रज भाषा थी। ठीक है, तो आपको ये भी नोट कर लेता है, कृष्ण भक्त की एकमात्र भाषा आपकी ब्रज भाषा ही थी। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी तीसरे नंबर पर बांगरू। क्या आती है आपकी? बांगरू या हरियाणवी बोलते हैं जिसे। ठीक है, अगले क्या आती है आपकी भाषा? बांगरू या हरियाणवी। ठीक है, बांगरू या आपकी हरियाणी। ठीक है, बांगरू या हरियाणी की अगर बात करूं, देखिए इसका जो विकास हुआ आपका सौर सैनी के अभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। क्या क्या हुआ है आपका इसके विकास की अगर बात करूं, सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी रूप से हुआ है। कैसे हुआ है? पश्चिमी रूप से हुआ है। ठीक है, पश्चिमी रूप से हुआ है इसका विकास। देखिए इसमें जो क्षेत्र आते हैं, अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इसमें क्षेत्र आपका आता है हरियाणा और दिल्ली का देहाती भाग इसमें आता है। ठीक है, हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग। ठीक है, दिल्ली का देहाती भाग इसमें आता है। कौन है आपका? बांगरू या हरियाणी बोली में। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगली भाषा की। देखिए अगली बोली की अगर बात करूं तो बुंदेली आती है। आगे क्या आती है आपकी इसमें? बुंदेली। ठीक है, बुंदेली की अगर बात करूं तो बुंदेली में आपकी जो बुंदेली के विकास की बात करूं, देखिए ये भी आपका सौर सैनी अपभ्रंश की कैसे हुआ है? ये हुआ इसका अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, इसके क्षेत्र की अगर बात करूं तो इसका क्षेत्र में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए इसके क्षेत्र में आते हैं आपके मतलब झांसी आता है आपको इसमें बुंदेली में। ठीक है, झांसी आ गया, झांसी आता है आपका, जालौन आता है। ठीक है, जालौन आ गया, हमीरपुर भी इसमें आता है आपका, और ग्वालियर आगे आता है इसमें आपका, ओरछा भी इसमें आता है, सागर नरसिंहपुर सिवनी होशंगाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र आपका काय का है? बुंदेली का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, जहां पर आपकी बुंदेली भाषा बोली जाती है। ठीक है पांचवें नंबर पर आता है आपका, यह आपकी चौथी थी। ठीक है, पांचवें नंबर पर क्या आता है आपका? पांचवें नंबर पर क्षेत्र आता है आपका कन्नौजी भाषा, कन्नौजी बोली का। ठीक है, कन्नौजी बोली कहाँ कहाँ का बोली जाती है अगर उसकी बात करूं तो कन्नौजी बोली की अगर बात की जाए तो कन्नौजी का विकास आपका सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, ये भी आपका सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है इसका विकास भी, सौर सैनी अपभ्रंश से ही हुआ है इसका विकास भी। अब बोली कहाँ कहाँ जाती है अगर इसकी बात की जाए, देखिए अगर इसकी बात करूँ कन्नौजी की तो इसका क्षेत्र आपका क्या है? इटावा है। ठीक है, इटावा है, फरुखाबाद हो गया, शाहजहाँपुर हो गया आपका, कानपुर का क्षेत्र हो गया, हरदोई हो गया और आपका पीलीभीत हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पीलीभीत। ठीक है, तो ये जितने भी क्षेत्र आते हैं कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोली जाती है? कन्नौजी भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी अगर बात करूँ तो पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की हिंदी की पांच बोलियाँ। ठीक है, अब बात करें पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, ये आपकी पश्चिमी हिंदी की हो गई। अब मैं बात करूँ पूर्वी हिंदी की। ठीक है, पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो पूर्वी हिंदी की क्षेत्र की कितनी बोलियाँ आपकी? तीन बोलियाँ हैं। कितनी हैं? तीन बोलियाँ हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी हैं? पहली आती है इसमें आपकी अवधी। ठीक है, पहली कौन सी आती है इसमें आपकी? अवधी। ठीक है, पहली क्या आती है इसमें आपकी? अवधी। अवधी बोली कहाँ कहाँ जाती है? अवधी का जो आपका विकास की अगर बात करूँ तो इसका विकास आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कैसे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है,
अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, काय का आपका अवधि का। ठीक है, इसके अगर क्षेत्र की बात करें जाए तो इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ, देखिए अगर क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र आता है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में अवधि बोली जाती है आपकी इलाहाबाद, इलाहाबाद हो गया आपका, और फतेहपुर हो गया, फतेहपुर हो गया आपका, मिर्जापुर हो गया, मिर्जापुर में भी यही बोल जाती है, उन्नाव हो गया आपका, रायबरेली हो गया, और आपका सीतापुर हो गया, और आपका खीरी हो गया, और आपका फैजाबाद हो गया, और आपका गोंडा बस्ती। ठीक है, गोंडा में भी, बस्ती में भी आपकी अवधि ही बोली जाती है। ठीक है, बस्ती में भी आपकी क्या बोली जाती है, और बस्ती बहराइच, बहराइच में भी आपकी अवधि बोली जाती है, सुल्तानपुर प्रतापगढ़। ठीक है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, इन सब में आपकी अवधि भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, अब दूसरे क्षेत्र की बात करूं तो इसमें दूसरा क्षेत्र क्या आता है, देखिए तो दूसरा क्षेत्र आता है इसमें आपका, दूसरी भाषा क्या है आपकी, बघेली। ठीक है, अब बात करते हैं बघेली की। देखिए बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, दूसरे नंबर पर क्या आती है, पूर्वी हिंदी में आपकी बघेली। ठीक है, क्या आती है आपकी, बघेली। अब बघेली का जो विकास हुआ है आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से ही हुआ है। ठीक है, ये भी कैसे हुआ आपका, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसका विकास भी इससे हुआ है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र कौन कौन सा, देखिए क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इसका क्षेत्र आता है आपका रीवा। ठीक है, रीवा, शहडोल, रीवा, शहडोल, मेहर और उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोली जाती है आपकी, बघेली भाषा बोली जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आती है आपकी इसमें छत्तीसगढ़ी। क्या आती है आपकी, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी में क्या आती है आपकी, छत्तीसगढ़ी। देखिए छत्तीसगढ़ी की अगर बात करूं तो इसके विकास भी कैसे हुआ आपका, उद्भव जो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से ही इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से ही इसका उद्भव हुआ है छत्तीसगढ़ी का। ठीक है, अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, अगर क्षेत्र की बात करूं, देखिए छत्तीसगढ़ की अगर क्षेत्र की बात की जाए तो इसका क्षेत्र आता है आपका सरगुजा। ठीक है, सरगुजा, आपका कोरबा और बिलासपुर, आपका रायगढ़ और खैरागढ़ और आपका रायपुर हो गया आपका, और इसमें आता है आपका दुर्ग भी हो गया, और आपका राजंद गांव। ठीक है, राजंद गांव भी इसमें ही आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली में भी। ठीक है, राजनंद गांव। ठीक है, तो इस सब में क्या बोली जाती है आपकी, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपकी तीन थी जो पूर्वी हिंदी में आती है। देखिए अब बात करें आगे राजस्थानी क्षेत्र हिंदी की बोलियों की। देखिए आगे अगर मैं बात करूं राजस्थानी हिंदी बोलियों की, तो ये आपकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तो हो गई। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थानी क्षेत्र की बोलियों की। देखिए अगर हम बात करें राजस्थानी क्षेत्र की बोलियों की, राजस्थानी क्षेत्र की बोलियों की अगर बात करूं तो इसकी कितनी बोलियां हैं आपकी, चार बोलियां हैं इसमें भी। ठीक है, इसमें भी कितनी बोलियां हैं आपकी, चार बोलियां हैं। अब पहले नंबर पर आती है इसमें आपकी पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, क्या आती है, पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी की अगर बात करूं इसके क्षेत्र की, देखिए
अगर मैं इसके क्षेत्र की बात करूं तो इसके क्षेत्र में देखिए, अगर क्षेत्र में इसका विकास की बात करें तो इसका सोर्स यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। विकास की अगर बात करूं, इसका विकास कहां से हुआ है, तो इसका विकास आपका सोर्स यानी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। ठीक है, कहां से हुआ आपका सोर सैनी अपभ्रंश से ही आपकी पश्चिमी राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अब इसकी इस देखिए पश्चिमी राजस्थानी में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मारवाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हम भाषा को मारवाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मारवाड़ी भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके क्षेत्र की अगर बात करूँ तो क्षेत्र है आपका जोधपुर। ठीक है, क्षेत्र क्या क्या है आपका, जोधपुर है। ठीक है, और आपका मेवाड़ है, मेवाड़ भी इसका क्षेत्र है, और सिरोही, सिरोही, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, और आपके ये क्षेत्र काय में आते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं, जैसे पश्चिमी राजस्थानी भाषा बोलते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है आपकी पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी भाषा। देखिए दूसरे नंबर पर क्या आती है राजस्थान की में, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी को इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसे जयपुर या डुंडाली भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, अगर बात करूँ तो जयपुर या डुंडाली भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, जयपुर या आपकी डुंडाली। ठीक है, भाषा भी इसे हम बोलते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, इसके क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें क्षेत्र आपका क्या क्या आता है, इसके क्षेत्र आपके जयपुर और अजमेर किशनगढ़ हैं। क्या क्या आपके, जयपुर, ठीक है, जयपुर, अजमेर और आपका किशनगढ़, इसके क्षेत्र हैं इस भाषा के। ठीक है, इसके तीन ही क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगले तीसरे नंबर पर आती है इसमें आपकी उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी की अगर बात करूं, उत्तरी राजस्थानी भाषा की, ठीक है, उत्तरी राजस्थानी बोली की अगर बात करूं तो इसे हम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं इसे हम मेवाती भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हम मेवाती बोली भी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र की बात करूँ, देखिए इसका क्षेत्र जो है आपका अलवर है। ठीक है, अलवर हो गया, गुड़गांव हो गया, अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, भरतपुर है आपका, और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या है आपकी, ये भाषा बोली जाती है। देखिए इसके एक मिश्रित बोली अहरीवाटी भी है। इसकी मिश्रित बोली क्या है आपकी, इसमें ही अगर इसकी बात करूं तो इसमें एक मिश्रित बोली आपकी अहिरवाटी भी है। क्या है आपकी, अहिरवाटी भी है। ठीक है, मिश्रित बोली है वो इसकी, अहिरवाटी है, जो उसके जो क्षेत्र कहाँ पर बोली जाती है, तो ये बोली जाती है आपकी गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में। ठीक है, कहाँ पर बोली जाती है, गुड़गांव, गुड़गांव, दिल्ली और करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है, और करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, कौन सी, अहिरवाटी। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे बात करें, अगली चौथी भाषा जो है पूर्वी राजस्थानी में, सॉरी राजस्थानी भाषा में, तो वो है आपकी दक्षिणी राजस्थानी। क्या बची आपकी, दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, दक्षिणी राजस्थानी भाषा। ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम मालवी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मालवी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हम मालवी भी बोलते हैं। अगर इसके क्षेत्र की बात करूं तो इसके क्षेत्र आपके आते हैं इंदौर, इंदौर, उज्जैन, इंदौर, उज्जैन और आपका देवास, रतलाम और आपका भोपाल और इसमें आता है आपका होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद, तो यहाँ पर क्या बोली जाती है आपकी, मालवी भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके आसपास के क्षेत्र जो है इनमें भी मालवी भाषा, ये दक्षिण राजस्थानी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, देखिए पहाड़ी हिंदी की। देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो हिंदी की बोलियाँ हैं, अगर उसकी बात करूँ मैं,
पहाड़ी क्षेत्र की, अगर बात करूं पहाड़ी क्षेत्र की बोलियों की, तो पहाड़ी क्षेत्र की बोलियों में क्या है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं आपकी, दो बोलियां हैं। कितनी हैं, दो बोलियां हैं, ठीक है। इसमें कितनी बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी हिंदी में, देखिए पहाड़ी क्षेत्र की हिंदी में बात करूं तो इसमें कितनी है आपकी, दो बोलियां हैं। पहले नंबर पर आती है इसमें आपकी पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है, पश्चिमी पहाड़ी। तो इसमें क्या, देखिए अगर इसकी बात की जाए तो इसके क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं आपका, इसमें आपका जोनसार आता है। क्षेत्र की बात करूं तो इसमें आता है आपका जोनसार, ठीक है, और इसमें आपका सिरमौर भी आता है क्षेत्र, सिरमौर, और आपका शिमला भी इसमें आता है, ठीक है, शिमला आता है आपका, मंडी आता है, चंबा आता है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या बोली जाती है आपकी, पश्चिमी पहाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है इसमें जो दूसरी बोली है क्षेत्र की, तो ये आती है आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है, ये क्या आपकी मध्यवर्ती पहाड़ी, ठीक है। मध्यवर्ती अगर पहाड़ी के क्षेत्र की बात करूँ, देखिए तो इसमें आपके जो हैं आपकी, देखिए कुमाऊनी, क्या क्या क्षेत्र हैं, कुमाऊनी, कुमाऊनी है आपका, गढ़वाली, इसमें क्या क्या आपकी, कुमाऊनी और गढ़वाली, इसमें भाषा क्या क्या आपकी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है, गढ़वाली। तो ये कहाँ कहाँ पर बोली, देखिए अगर इसकी बात करूँ तो गढ़वाली, कुमाऊनी की आपकी कुमाऊ, ठीक है, कुमाऊनी की अगर बात करूँ तो आपकी कायम बोल जाती है आपकी कुमाऊ में, ठीक है, और गढ़वाली की बात करूँ तो ये आपकी गढ़वाल उत्तराखंड में बोली जाती है, ठीक है, गढ़वाल उत्तराखंड में ये आपकी बोली जाती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई आपकी पहाड़ी भाषा की, अब बात करें बिहार क्षेत्र की हिंदी की बोलियों की। देखिए बिहार क्षेत्र की अगर हिंदी बोलियों की अगर बात करूँ तो बिहार क्षेत्र की हिंदी की बोलियाँ कितनी है, अगर उसकी बात की जाए बिहार क्षेत्र की, आगे आपका आता है बिहार क्षेत्र, ठीक है, बिहार क्षेत्र हिंदी बोली की अगर बात करें हिंदी बोली की, तो ये कितनी बोलियाँ हैं, वहाँ पर आपकी तीन बोलियाँ हैं। कितनी आपकी, तीन बोलियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी हैं अगर उसकी बात की जाए, तो पहले नंबर पर आती है आपकी मगही, ठीक है, पहले पर क्या आती है आपकी मगही, ठीक है। अगर मगही की बात की, मगही जो आपका मगधी, मगही कहाँ से विकसित हुई है, मगही की अगर बात की जाए तो ये आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, कैसे हुई आपकी, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है, मागधी अपभ्रंश से ये आपकी विकसित हुई है, ठीक है। अगर इसके क्षेत्र की बात करूं तो इसमें क्षेत्र क्या क्या आते हैं, देखिए इसके क्षेत्र में आता है आपका पटना आता है, ठीक है, क्या आता है आपका, पटना आता है, गया आता है, ठीक है, पलामू आता है, और आपका हजारीबाग आता है, और आपका मुंगेर आता है, और आपका भागलपुर आता है, ठीक है, भागलपुर आता है, और इसके आसपास के क्षेत्र कहाँ बोली जाती है, वहां पर आपकी मगही भाषा बोली जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी भोजपुरी, देखिए भोजपुरी बिहार की बहुत ज़्यादा बोली जाती है बिहार में, ठीक है। तो इसके बाद की बात करें भोजपुरी की, ठीक है, भोजपुरी भाषा की अगर बात करूं, भोजपुरी, ठीक है, अगर भोजपुरी भाषा की बात की जाए तो भोजपुरी आपकी क्या है, आपकी बिहारी बोली है, ठीक है, ये भी बिहार की है, और इसका भी आपका मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है, कहाँ से हुआ इसका विकास भी, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है, ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करूं, देखिए इसके क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपकी बनारस, कहाँ कहाँ बोली जाती है आपकी, बनारस, ठीक है, बनारस में भी क्या बोली जाती है आपकी, भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, जौनपुर, भोज, बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर, गाजीपुर,
बलिया, गोरखपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, शाहबाद, चंपारण, चंपारण, ठीक है, और आपकी सारण और उसके आसपास क्षेत्र में आपकी भोजपुरी भाषा बोली जाती है। देखिए भोजपुरी हिंदी की वह बोली है जिसमें सर्वाधिक फिल्में बनी हुई हैं, ठीक है, तो भोजपुरी भाषा में आपकी सर्वाधिक फिल्में बनी हुई हैं, ठीक है। और इसमें तीसरे नंबर की आती है, आपको ये याद करना है, ठीक है, इतना ही आपका पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर पूछी जाती है इसमें आपकी, वो आती है आपकी मैथिली। क्या आती है तीसरे नंबर पर आपकी? मैथिली, ठीक है। तीसरे नंबर की भाषा क्या है इसमें आपकी? मैथिली। देखिए अगर बात करूँ मैथिली की तो ये बिहारी क्षेत्र की भाषा है, ठीक है, बिहार क्षेत्र की भाषा है, ठीक है। इसकी जो आपका उद्भव हुआ है, अगर उद्भव की बात करें तो आपका ये भी मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, ठीक है। कहाँ से? आपका मागधी अपभ्रंश से ही इसका विकास हुआ है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अगर क्षेत्र की बात करूँ इसके क्षेत्र में, देखिए इसका क्षेत्र आपका क्या क्या आता है? दरभंगा आता है, ठीक है, दरभंगा, आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, और पूर्णिया, और आपका मुंगेर। तो इसमें क्या बोली जाती है आपकी? मैथिली भाषा बोली जाती है। देखिए मैथिली की अगर बात करूँ, मगही और मैथिली लोक साहित्यिक दृष्टि बहुत ही संपन्न भाषाएं हैं। मैथिली साहित्य में रचना प्राचीन काल से होती आई हैं, ठीक है। मैथिली को चरमोत्कर्ष स्तर पर पहुंचाया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करूँ नागार्जुन, गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा, राजकमल चौधरी मैथिली के प्रमुख क्या थे? ये प्रमुख साहित्यकार थे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की लिपि की आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो आज के इसमें टॉपिक में इतना ही, ठीक है, फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे अगले उसमें हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ठीक है। तो उससे संबंध जितने भी क्वेश्चन बचे हैं इसमें मोस्ट वो अगले टॉपिक में करेंगे हम कवर, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, बोलियां और भाषाओं से संबंधित, ठीक है। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।